जैसा कि आप सभी को पता है एंड्रॉयड 12 है जो टेस्टिंग शुरू हो चुका है, जिस रिलेटेड मैंने दो तीन वीडियो भी दे रखा है जिसमें मैंने आपको टीटल ऑफ इंस्टॉलेशन और एंड्रॉयड 12 इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया है। बट उसके लिए आपको बहुत कुछ स्टेप फॉलो करना होता है और आपके फ़ोन का डेटा भी चला जाता है। लेकिन आप एक ऐसे यूजर्स हो जो कि अपने फ़ोन के डेटा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसे डिलीट नहीं करना चाहते और एंड्रॉयड 12 का बेनिफिट भी लेना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप वॉच करिए और मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से विदाउट डेटा लॉस के और विदाउट किसी कस्टम रिकवरी अपने फोन के अंदर एंड्रॉयड 12 को इंस्टॉल कर पाओगे, यूज कर पाओगे और बैक टू स्टॉक MIUI पे भी आप स्विच कर पाओगे। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सिंगल क्लिक करना है और आप इधर से उधर स्विच कर जाओगे और उधर से इधर स्विच कर जाओगे। इससे रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं किसी और डिवाइस के ऊपर ये वीडियो लेके आऊं, तो ये है मेरे पास Mi 11X जिसके ऊपर मैं ये मेथड आपको करके दिखाने वाला हूँ। और अभी स्टिल आप देख पा रहे होंगे कि Android 12 का मैं यहाँ पे है जो रोम यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से Android 12 के सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैं वापस स्टॉक MIUI के ऊपर आ चुका हूँ जो कि इसका स्टेबल ऑफिशियल है 12.5.1। और यहाँ पे आप देखोगे गैलरी में फोटोज वगैरह भी है। और अब आप देखोगे फिर से मैं वापस आ चुका हूँ एंड्रॉयड 12 के ऊपर। तो ये बिल्कुल ही सिंपल और इजी सा मेथड है जिससे आप वन क्लिक पे इधर से उधर और उधर से इधर स्विच हो जाओगे, जो कि मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ साथ इस एंड्रॉयड 12 के अंदर क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, किस तरीके से ये काम करता है, वो भी मैं डिटेल आपको दे दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें और नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मेथड से आपको एंड्रॉयड 12 यूज करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा और एक कंडीशन होगी कि आपका जो डिवाइस है वो एंड्रॉयड 11 पे रन करते हुए होना चाहिए। अगर आपका एंड्रॉयड 10 पे है तो ये काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो ये एंड्रॉयड 11 पे है जो अप टू डेट है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने अबाउट के फ़ोन के अंदर MIUI का वर्जन देखने को मिलेगा। ये सेम मेथड आप किसी अदर सैमसंग और बाकी अदर चीज़ों पे भी ट्राई कर सकते हो, मे भी वहाँ पे भी काम कर जाएगा। तो जैसे ही आपको यहाँ पे MIUI का वर्जन दिखाई देता है, इस पे आपको 6 से 7 टाइम टैप करना है, तब जाके आपका एक डेवलपर का ऑप्शन ऑन होगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं अपने नोट 10 प्रो के ऊपर ये शो करके दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैंने जो पहले ही वीडियो आपको दिया था जो कि 2-3 दिन पहले का है। आपने अगर ये वीडियो को चेकआउट नहीं किया है जो कि देख सकते हो वन क्लिक टू इंस्टॉल है, तो इसे आप चेक कर लेना। मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है और बहुत सारी चीज़ें भी। बट इसमें जो मैंने आपको एंड्रॉयड 12 दिखाया था ये थोड़ा ओल्ड था और आज मैं आपको दिखाऊंगा ये थोड़ा सा लेटेस्ट है जिसमें नए फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस इस प्रोसेस के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, अबाउट फोन पे जाना है, ऑल एस्पेक्ट्स पे जाना है, आपका एंड्रॉयड 11 होना चाहिए, इस MIUI के वर्जन पे 6 से 7 टाइम टैप करना है, तब जाके लिखा हुआ आएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। उसके बाद बैक आ जाना है, फिर से बैक जाना है, एडिशनल के सेटिंग्स पे जाना है जहाँ पे आपका डेवलपर का ऑप्शन ऑन रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा कंडीशन अप्लाई होने वाला है, वो है ये कि आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि लॉक है और आप ये मेथड प्रोसेस करते हो तो मे बी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगा, और ऐसा दिक्कत आता है तो भाई आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो, इसलिए बूटलोडर अनलॉक होना जरूरी है सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा DSU लोडर, इस पे आपको टैप करना है। आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो भी अच्छा खासा स्पीड के साथ, काफ़ी स्लो रहेगा तो ये मेथड ठीक से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, GSI ARM64, GSI GMS ARM64। तो फर्स्ट वाला अगर आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें गूगल प्ले स्टोर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और सेकेंड वाले में गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब वगैरह देखने को मिलेगा, जहाँ पे अदर एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करके यूज कर पाओगे। तो ये सेकेंड ऑप्शन काफ़ी बेहतरीन है, बस इस पर आपको टैप कर देना है, ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा और आपके फ़ोन के सपोर्टेबल एंड्रॉयड 12 को ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है और ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सेम चीज़ें यहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर रखा है। तो आप देखोगे इस फ़ोन का भी बूटलोडर अनलॉक है और साथ साथ यहाँ पे भी DSU लोडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस पे टैप करके ही मैंने जो यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे टॉप पे इस तरीके से ऑप्शन जिसमें एक डिस्कार्ड का आएगा, एक रीस्टार्ट का आएगा। तो अगर आपने ट्राई कर लिया और आपको वापस 12 पे नहीं स्विच करना है, कस्टम पे स्विच नहीं करना है, तो आप इसे डिस्कार्ड कर दो, ये डिलीट हो जाएगा और आप अपने स्टॉक पे रह जाओगे। लेकिन आपको यूज करना है तो आपको बस इस रीस्टार्ट पे टैप करना है जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो, और जब दोबारा आपका फ़ोन बूट करेगा तो वो आपके एंड्रॉयड 12 के कस्टम OS पे बूट करेगा, जिसमें आपको फर्स्ट सेटअप कंप्लीट करना होगा,
फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन हो चुका है और यहाँ पे जो एंड्रॉयड 12 का क्लॉक है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर जो एनिमेशन हमें दिखाई देता है अनलॉकिंग का ना, वो भी एनिमेशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन पैक बदल नहीं सकते, एक सिंपल सा कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो कि आप चाहो तो जीके वगैरह डाल सकते हो। और जैसे आप कैमरा को ओपन करोगे ऊपर आपको आइकन में शो कर देगा कि आपका कैमरा यूज हो रहा है, जैसा कि एंड्रॉयड 12 का फीचर्स है। यहाँ पे पूरा आपको टॉगल देखने को मिलता है जहाँ पे इंटरनेट के साथ साथ आपको मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों मिक्स रहता है, जो कि हाल फिलहाल के लेटेस्ट अपडेट में ऐड किया गया था, जहाँ पे आप अंदर जाके स्विच भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। बाकी सेटिंग की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पूरा सेटिंग का UI। अभी प्रॉपर एंड्रॉयड 12 जैसा नहीं हुआ है लेकिन काफी हद तक एंड्रॉयड 12 के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अबाउट पे आते हैं तो आप देखोगे एंड्रॉयड 12 लिखा हुआ मिल रहा है, जबकि मैंने नोट 10 प्रो के लिए ये वीडियो दिया था जब वहाँ पे एंड्रॉयड S लिखा हुआ मिल रहा था, तो ये थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रिफ्का कर्नल और बाकी बिल्ड डेट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। सिस्टम के अंदर ज़्यादा ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आते हैं, नॉर्मल से ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ज़्यादा ऑप्शन उसमें नज़र आते हैं जो कि आप टिकलॉपे के थ्रू फ्लैश करते हो, क्योंकि वहाँ पे अलग से ऐड किए जाते हैं। बट अभी इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है, बट टाइम टू टाइम ये अपडेट होता रहता है और नया फीचर्स देखने को मिलता रहता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको पावर मेनू मिलता है जहाँ पे आप असिस्टेंट को ऐड कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहते हो तो, और ये अच्छे से काम करता है। बाकी आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जितने भी एंड्रॉयड 12 के फीचर्स मिलते हैं उनमें से कुछ फीचर्स अभी आपको मिल जाएंगे और ये टाइम टू टाइम अपडेट होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। वॉलपेपर वगैरह भी खाली आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर नॉर्मल से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्लॉक्स वगैरह के, थीम्स वगैरह के और रोटेशंस वगैरह, जो कि अच्छे से काम करते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे डार्क मोड वगैरह भी यूज कर पाओगे और डार्क मोड यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, और जो एंड्रॉयड 12 का डार्क मोड है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है बाकी इधर से। साथ साथ यहाँ पे साउंड का प्रोफाइल जो कि अच्छे से आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। बैटरी बार पूरा का पूरा आपको एंड्रॉयड 12 जैसा ही देखने को मिलेगा। और जब भी मैं किसी ऑप्शन पे टैप करूँगा आपको पीछे स्टार टाइप का एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह आप यूज कर सकते हो जो कि पॉपअप के रूप में है। बाकी यहाँ पे ऐप्स नोटिफिकेशन, कन्वर्सेशन और बबल्स वगैरह को भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। बट आपने देखा कि जैसे मैंने इस पे टैप किया ये क्रैश हो गया, यानी बाहर की ओर आ गया, तो कहीं कहीं पे आपको छोटा मोटा इशू देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी सब ये सारे टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं, फाइनल स्टेबल नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और बाकी सब चीज़ें आपकी अच्छे से वर्क करेगी। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर डायरेक्टली स्विच कर सकते हो एंड्रॉयड 12 के ऊपर, और जब मर्जी हो जब बस आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करके वापस आ सकते हो एंड्रॉयड के स्टॉक MIUI के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बैक टू MIUI के ऊपर आ चुका हूँ, स्टॉक MIUI जो कि मेरे फ़ोन में डला हुआ था। और साथ साथ यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाऊँ, जैसा कि मैंने गैलरी में आपको कुछ फोटोज दिखाए थे तो वो सब कुछ भी शो हो रहा है, तो यानी यहाँ पे डेटा भी डिलीट नहीं हुआ है और डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्टॉक पे आ चुका हूँ। अब आपको ज़रूरत नहीं है एंड्रॉयड 12 के स्टॉक MIUI के अलावा उस OS की, तो ये जो आपको डिस्कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको जो टैप कर देना है, उसके बाद ये जो आपका है एंड्रॉयड 12 GSI वो डिलीट हो जाएगा। और जब आपको दोबारा स्विच करना होगा ना तो फिर से आपको डेवलपर के ऑप्शन में आके उसे मैनुअली फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस डाउनलोड प्रोसेस में मे बी आपका 500 या 1 GB के आसपास का डेटा खर्च होगा, ज़्यादा खर्च नहीं होता है, बट आपके पास स्पीड अच्छा खासा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको प्रॉपर डिटेल दे दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। और आपने नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर इस एंड्रॉयड 12 का वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे रखा है और पूरा डिटेल भी वहाँ पे शो किया था। और आप दोनों का कंपेयर करोगे ना तो हल्के फुल्के फीचर्स ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग डिवाइस के अनुसार देखने को मिलता है। सो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।